अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। अजीत कुमार सनम से दिनेश चा ग्राम नसुबो समिति पोस्ट माड़ई थाना जसरा जिला फिरोजाबाद। ऐसा मामला हुआ था कल इनके घर पे इनने कोई लूटपाट की है। HS खुली है थाना जसराना से टॉप 10 में ये लड़के चल रहे हैं इनके परिवार वाले। तो कल पुलिस आई थी 5 गाड़ी तो इन लोगों को ये शक लगा कि मैंने ही पुलिस भिजवाई है। लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं था तो मैं अपना सुकवा से शाम को आ रहा था। शाम को आने का मतलब ऐसा आ रहा हूँ ना 2-3 बजे के लगभग। तो इनने इनकी 2-3 लड़की माताजी और 2-3 भाई चाचा के भाई कई लोग मिल के डंडे लेके लाठी लेके तमंचे लेके खड़े हो गए। तो मैंने सोचा मोटरसाइकिल निकाल लूँ, जान बचा के भागा। तो उन लोगों ने फायर कर दिया तो थोड़ा जैसे ही फायर किया तो टच हो के चला गया। कितने लोग थे वो? करीब लोग होंगे 7-8 लोग थे। तो पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुंच भी गई, गांव गई है। मैं थाना जसराना से आया हूं, जसराना से रेफर किया है मुझे यहां के। कोई पकड़ा भी आगे? एक भी नहीं पकड़ा गया क्योंकि आज कल भी पुलिस गई थी तब भी नहीं पकड़ पाई। उससे पहले एक दिन पहले गई थी 5-6 दिन पहले तब भी नहीं पकड़ पाई। क्या क्रिमिनल टाइप के लोग क्या करते हैं? ये लोग HS खुली थाना टॉप 10 में 1 नंबर पर चल रहा है जसराना में। इसकी HS खुली हुई है। अभी एक अजीत नाम का पेशेंट आया जी, उसको रेफर किया गया है CSC से। और जो है जैसे उसके परिवार वाले बता रहे थे उसके संग में एक आदमी और है, ये तो पहले अल्कोहल में है और इन्होंने ये बताया कि इनके सर में जो है गोली लगी है। जैसा कि हमने देखा कि ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा था कि गोली लगी हो। अब बाकी हम उसकी जांच वाँच करेंगे, सर्जन को बुलवा के दिखाएंगे, उसका एक्सरे करवाएंगे तब पता लगेगा। कौन लेके आया उसको? यहाँ परिवारजन लेके आया, पुलिसकर्मी लेके आया? नहीं, एक पुलिस वाले भी साथ में आया और एक और उसके साथ में कोई है। तो क्या स्थिति है? नहीं, पेशेंट ठीक है, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है।